गुड मॉर्निंग एवरी वन, माई सेल्फ डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर SPC फार्माकोलॉजी अजमेर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअलिटी होल्डर, मीन्स हानि रक्षा दादी के अधिकार। आज बच्चों हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी होल्डर्स के क्या अधिकार होते हैं। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, हानि रक्षा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति, जो सेक्शन नंबर 124 कहती है कि हानि रक्षा अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, यानी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो कि उसके स्वयं की, वचनदाता की अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुँचे। तो इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध अगर हम देखें तो पक्षकार होते हैं, एक हानि से बचाने का वचन देता है उसे हम हानि रक्षा कहते हैं, और जिसको वचन दिया जाता है उसे हम हानि रक्षाधारी कहते हैं। तो आज हम देख रहे हैं हानि रक्षाधारी यानी जिसको वचन दिया गया है उसके क्या अधिकार होते हैं। तो सेक्शन 124 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, राइट्स ऑफ इंडिविजुअलिटी होल्डर जो ये कहता है कि हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षाधारी को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त है, और यदि हानि रक्षाधारी अपने अधिकारों को सीमा के भीतर कार्य करता है तो उसे अधिनियम के दिए गए सभी नियम शर्तों का पालन करना होगा। यदि हानि रक्षाधारी अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन करे तो उसे धारा अधिनियम की धारा 125 के अंतर्गत इंडिविजुअल होल्डर को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है जिनके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो नंबर वन अगर हम देखें तो क्लेम फॉर डैमेज क्षतिपूर्ति। हानि रक्षाधारी को सबसे पहले ये अधिकार प्राप्त है कि हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से वे सभी हानियाँ जो उसे किसी ऐसे बात की विवाद के संबंध में उठानी पड़ी है जिससे हानि रक्षा का वचन लागू होता है। तो इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत दिए गए वचन के परिणाम स्वरूप जो भी हानि हुई है उन सभी को हानि रक्षाधारी हानि रक्षक से प्राप्त करने का अधिकार ही माना जाता है। तो इस प्रकार ये क्षतिपूर्ति का अधिकार उसको प्राप्त माना गया है। दूसरी बात जो अगर हम देखें वो है व्यय की प्राप्ति यानी क्लेम ऑफ कॉज। तो हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत बच्चों ये लिखा हुआ है कि बताया गया है कि हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से भी सभी व्यय या खर्च प्राप्त करने का अधिकार है जो कि उसने किसी ऐसे विवाद को प्रस्तुत करने या उस बात का बचाव करने के लिए उचित रूप से व्यय किए हैं, अर्थात हम ये कहें कि जो उसको चुकाने पड़े हैं। लेकिन अगर हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा अधिकार हानि रक्षक को तभी प्राप्त होगा जबकि वे कार्य उसने हानि रक्षक के आदेश निर्देशों का पालन किया हो तथा हानि को रोकने के लिए अपने विवेक से स्वयं विवेक से हर प्रयास किया हो और सही प्रयोग किया हो और उस अधिकारों को सीमा में उसने व्यय किए हों जो ऐसा करना उसके लिए उचित था, तो इस प्रकार के व्यय प्राप्त करने का अधिकार उसको दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर देखें तो चुकाए गए धन की प्राप्ति। तो हानि रक्षाधारी को हानि रक्षक से समस्त धनराशि प्राप्त करने का अधिकार भी दिया गया है जो कि उसने हानि रक्षाधारी किसी ऐसे वाद की समझौते की शर्तों के अंतर्गत चुकाया है। यदि हानि रक्षाधारी ने हानि रक्षक के आदेश का पालन नहीं किया है या अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है तो ऐसी दशा में उसे धनराशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम देखें तो क्षतिपूर्ति अनुबंध की जब हम बात करते हैं तो क्षतिपूर्ति अनुबंध में जो व्यक्ति अपनी ओर से उसकी रक्षा करने के लिए धन व्यय कर रहा है तो उसको उस को प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वो धन का व्यय करना उचित था और उसने स्वयं विवेक से विवेक को निर्णय लेते हुए ये कार्य किया है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत उसे अपने विवेक से वह निर्णय लेना चाहिए जो कि उस स्थिति में उसके लिए आवश्यक हो या उसके हितों की रक्षा करता हो। तो इस प्रकार हानि रक्षा अनुबंध के दोनों ही पक्षकार अपने अपने अधिकारों में लेकर कार्य करते हैं और इस प्रकार हानि रक्षाधारी को यह अधिकार होता है कि वो इस प्रकार के अनुबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ले और उसके द्वारा जो व्यय किए गए हैं, खर्च किए गए हैं, उनको भी प्राप्त कर ले। लेकिन वो तो तभी प्राप्त हो पाएंगे जबकि उसने स्वयं विवेक से निर्णय लिया और अपनी हानि उसको हानि को रोकने के लिए और विवेक को प्रयास किया हो। तो इस प्रकार बच्चों भारतीय अनुबंध की धारा 124 के अनुसार हानि रक्षा अनुबंध के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके स्वयं के वचनदाता के आचरण से या अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति देने का वचन देता है और उसके हितों की रक्षा करता है।